तुम्हारे सर्वनाश की तो मैं भगवान से भीख सी मांगा करती थी और आज उसकी शुरुआत भी हो गई। मुझे लगता है मुझे यहाँ से लौटते वक्त मंदिर में भगवान को प्रसाद चढ़ाकर उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। शीला, इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं खत्म हो गया। मुझे बाहर निकलने दो, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा। आपके इस सुपुत्र तरन ने अपनी आदरणीय माँ के साथ साजिश रचकर मेरे पिता केशव मल्होत्रा का खून किया है। ही इज माय फादर्स किलर। क्या बकवास कर रही है तुम? तुमने हमारे पर बहुत उपकार किए हैं। हनी माँ, हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि बबली जी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तेरी प्रार्थना तो ऊपर वाला भी नहीं ठुकरा सकता। आप केशव मल्होत्रा से छुटकारा पाना चाहती थी, आपको मिली। मुद्दे की बात यह है कि वो आपने मर गया। उसके मरने पर मैं खुश था और आप भी उसकी मौत चाहती थी। केशव मल्होत्रा मेरा पति था और कोई भी पत्नी नहीं चाहती है कि उसके पति की मौत हो, चाहे वो जितना भी बुरा दिन हो। स्वेतलाना, तुम्हारी खामोशी इस बात की हिंट तो नहीं कि मुझे अब चलना चाहिए? सूरज, तुम जानते तो हो कि जब मैं कुछ चाहती हूँ तो मैं लिहाज नहीं करती। मुझे हिंट देने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं तुम्हें जाने के लिए साफ साफ कह देती। इट्स ओके। नहीं, तुम चाहो तो मैं यहाँ समाधि लगाकर बैठ सकता हूँ, पर कम से कम कुछ बोलो तो सही। सूरज, ये लम्हे कुछ ऐसे होते हैं कि मैं खुद नहीं जानती हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ। अकेले होकर भी मैं तुम्हें आसपास चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम्हें ऐसे बैठना मुश्किल पड़ रहा हो, देन इट्स ओके, यू कैन लीव। ऐसा कुछ नहीं, मुझे ऐसा बैठना मुश्किल नहीं पड़ रहा, पर मुझे तुम्हारी खामोशी की आदत नहीं। ऑफिस में तो इतनी एक्टिव होती हो जैसे तुम्हारी रगों में 440 वोल्ट का करंट दौड़ रहा है, और घर में एकदम क्वाइट जैसे बत्ती चली गई हो। सूरज, ऑफिस में मुझे अपनी कामयाबी पर कॉन्फिडेंस रहता है, लेकिन जब मैं घर आती हूं तब तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिंदगी से हार चुकी हूं। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? अब यह मत कहना कि तुम्हें इस एहसास की वजह नहीं मालूम। सोनू, जब तक सोनू इस घर में था तो मुझे उसकी प्रेजेंस जरूरी नहीं लगती थी, लेकिन जब से वो चला गया है वो एक जरूरत सी बन गया है। मैं उसे मिस करती हूं सूरज, और जब मैं उसे मिस करती हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ की कब्र पर अपनी प्रोफेशनल लाइफ का महल खड़ा कर रही हूं। स्वेतलाना, ऐसा मत सोचो। इस फीलिंग को अपने दिल से निकालकर बाहर फेंक दो, क्योंकि ये तुम्हारी ताकत को आधा कर देगी। और वैसे भी रोनी के बस का कहां है सोनू को पालना। दो चार दिन का बुखार है, उतर जाएगा, और सोनू को लेकर आ जाएगा वो। पहले भी तो कितनी बार ऐसा हुआ है। इस बार ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब रोनी के साथ रश्मि भी है। कौन रश्मि? रश्मि, वो तो मेरे लिए एक रहस्य है। मैं उस औरत को जानती हूं, लेकिन कैसे मुझे खुद याद नहीं। रश्मि कभी मेरी जिंदगी में आई थी, लेकिन मेरे बार बार पूछने पर भी वो मुझे बताती नहीं। अब छोड़ो ना इस रश्मि को, क्यों किसी रश्मि रश्मि को लेकर परेशान होती हूं। जब से सोनू वहां गया है उस पर न जाने क्या जादू कर दिया उसने। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो सोनू को मुझसे जानबूझकर छीनना चाहती है। उसका अचानक रोनी की जिंदगी में आ जाना और सोनू का यहां से चले जाना, ये दो बातें जरूर कहीं जुड़ी हुई है। अब ऐसा करो, तुम रश्मि के बारे में भूल जाओ, रश्मि का बाकी रहस्य मैं पता कराता हूं। तुम मुझे बस रश्मि की ज्योग्राफी समझा दो, उसकी हिस्ट्री पता लगाना मेरा काम। सूरज। जी माँ जी। मेरे ख्याल में काफी देर हो चुकी है, तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। मम्मी, स्वेतलाना, जैसे सोनू की माँ होकर तुम्हें उसकी फिक्र रहती है, वैसे ही मुझे तुम्हारी फिक्र है। दिन भर की थकी हो, चलो आराम कर लो। हाँ, अच्छा, चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट।
जेठानी जी आइए आइए, अपने होने वाले भतीजे की माँ से मिलने आई है। प्लीज कम इनसाइड। मैं यही सोच रही थी कि मल्होत्रा खानदान से कब कोई आएगा मेरा हालचाल पूछने। बाज आ जाओ देविका, तुम्हारी ये चीप घनौनी हरकतें हैं ना, मैं उनका खात्मा करने आई हूँ। और अगर मुझे तुम्हारा भी खात्मा करना पड़े ना, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। मल्होत्रा खानदान की एक और खासियत पता चल गई। आधी रात को 12:45 वो अपने ही हाथों से अपने खानदान वालों का खात्मा कर देते हैं। मुझे नुकसान पहुंचाने से पहले सोच लीजिए कि ये आप ही का खून है मल्होत्रा खानदान। मेरा और तुम्हारा पाप तुम खुद समझो। तुम्हारी कोख में जो बच्चा पल रहा है, तुम उसे बहुत प्यार करती हो ना? मैं भी अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। पहली बार तुमने ऋषभ को मुझसे अलग रखा और अब उसके दिमाग में जहर घोलकर उसे दूर करना चाहती हो ना? अगर तुम्हें मेरी ममता की परवाह नहीं है, तो मुझे तुम्हारे बच्चे की कोई परवाह नहीं है। मैं तो सिर्फ फोन उठाऊंगी और मिलान पुलिस को फोन कर दूंगी और तुम्हारा ठिकाना बता दूंगी। जानती हूँ ना कि तुम्हारी तलाश में। जानती हूँ वो मेरी तलाश में है। आप फोन उठाएंगी और वो मेरे दरवाजे तक पहुंच जाएंगी, फिर मैं शायद उनके दिमाग में जहर घोल दूं, तो पता चला अगले दिन वो करण के दरवाजे पर पहुंच गए। 25 साल बाद आपको अपना बेटा मिला है, कुछ देर तो गले से लगा के रखिए। करण का केशव के कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक साबित करना मेरा काम है और मेरे पास प्रूफ भी है। करण केशव का कातिल है, ये तो आपको भी मालूम है। अपनी नाजायज औलाद को बचाने का कोई जायज तरीका ढूंढो। ये थप्पड़ सबूत है कि आपको मेरी बातों पर यकीन है। वैसे तो मैं इसका जवाब देती, लेकिन अब आपकी और मेरी रिश्तेदारी है। आप मेरी जेठानी जी हैं, इसीलिए पायल आदि जेठानी जी। ड्रामा। मिस्टर विटेरियो, आज मैंने आपको इसलिए फोन किया है क्योंकि मैं आपसे एक खास मदद चाहता हूं। ऑर्डर सर। टेल मी ऑनेस्टली, डैडी की मौत के बारे में आपका क्या ख्याल है? इट वाज अ मर्डर। व्हाट? अभी तक कोई सस्पेक्ट पकड़ा नहीं गया। वो सस्पेक्ट इसलिए नहीं पकड़ा गया क्योंकि वो इस वक्त बॉम्बे में है, मिलान में नहीं। कौन है? उसी की सारी डिटेल्स मैं आपको भेजने वाला हूँ, फोटोग्राफ्स के साथ। उस आदमी का नाम करण सिंह है। लो, जूस पी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्यों हाथ धोकर मेरी जान के पीछे पड़ी हो? कभी ये ले आती हो, कभी वो ले आती हो। कहा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई वॉन्ट नथिंग। तो क्या मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हें यूं ही बर्बाद होते देखती रहूं? कल रात से तुमने कुछ भी नहीं खाया। तो आंखें बंद कर लो, पीठ मोड़ लो, दूसरे कमरे में जाकर चुपचाप बैठ जाओ। महेन भलोत्रा बर्बाद हो रहा है, इट्स अ फैक्ट। अगर तुमसे नहीं देखा जा रहा, आई कांट हेल्प इट। ये बात तुमने भले ही मंजूर कर ली हो, पर मुझे तुम्हारी बर्बादी बिल्कुल मंजूर नहीं है। महेन, सच मानो, एक दिन तुम इतने आबाद होगे ना कि हम दोनों को नाज होगा। नाज? और वो भी महेन मल्होत्रा पर? वाओ, ग्रेट। तुम भी दिन में सपने देखती रहती हो, ख्याली पलाव पकाती रहती हो। इस बार हालात कभी नहीं सुधरेंगे। क्यों, क्या हुआ हालात को? हाँ महेन, कुछ भी नहीं हुआ, ये सब तुम्हारे मन का वहम है। तुमने कोई गुनाह नहीं किया जिसकी वजह से तुम अपनी हस्ती को ऐसे किसी एहसास के तले कुचलना चाहते हो। ओ महेन, हिम्मत जुटाओ और खड़े हो जाओ इस हालात के खिलाफ। महेन, मेरा यकीन मानो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। महेन, कुछ कैसे नहीं हुआ है? बहुत कुछ हो चुका है। मेरी कोख में इनका बच्चा पल रहा है। क्यों इसे झूठी उम्मीद का आसरा देती हो शीला? यहां से जाओ देविका। देखा, इन्हें मेरी कितनी परवाह है। नहीं चाहते मैं किसी ऐसे जगह रहूं जहां मुझे टेंशन हो।
देविका, उसे बोलने दो महेन, जब वो थक जाएगी तो खुद ही चली जाएगी। शीला सच कहती है महेन, तुम्हारा बच्चा मुझे बहुत थका देता है। तुम्हारी चालबाजियों का महेन पे कोई असर नहीं होगा, महेन तुम्हें हासिल नहीं होगा। शीला मैं शीला नहीं हूं जो महेन को हासिल करने आई हूं, मैं उसके होने वाले बच्चे की मां हूं और मैं अपने होने वाले बच्चे के बाप से बात कर रही हूं। डू यू माइंड? डॉक्टर शाह का क्या हुआ महेन? कौन डॉक्टर शाह? गायनेकोलॉजिस्ट, जिनके पास ले जाने के लिए तुमने मुझे फोन किया था और यहां आने को कहा था। झूठ, मैंने ऐसा कोई फोन नहीं किया देविका। महेन तुम कब तक शीला से ये सब छुपाते रहोगे? देविका तुम यहां से जाओ वरना मुझे तुम्हें यहां से बेइज्जत करके निकालना पड़ेगा। बाप को इज्जत से रख रही हो और बेटे को बेइज्जत कर दूंगी। मैं वो पुरानी देविका नहीं हूं जिसे बेइज्जत करके निकाला जाता था। मैं एक मां हूं एंड आई एम स्पीकिंग टू द फादर ऑफ माई चाइल्ड। डू यू माइंड? तुम्हारी औलाद से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। देखा महेन, जब भी तुम कमीनी बात करते हो ये एकदम मचलने लगता है। रिलैक्स माय बेबी, जब तुम पैदा हो जाओगे तुम्हारे पापा अपने आप घर आ जाएंगे। आजकल वो एक आंटी के साथ रह रहे हैं जो उनका दिमाग खराब किए दे रही है। बच्चा तुम्हारा है महेन, तुम उसे अपनाओ ना अपनाओ, नाम तो उसे तुम्हारा ही मिलेगा। दुनिया इधर से उधर हो जाए देविका, लेकिन तुम अपने नापाक इरादे में कभी सफल नहीं होगी, कभी नहीं। अरे वाह, इतने दिनों बाद इतनी अच्छी आवाज इस घर में गूंजे। आओ, ऐसे लगता है इस घर की सारी परेशानियां दूर हो गई है। आंटी, आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? लो, मैं तो तुमसे नाराज होना ही भूल गई। मम्मी को तो बता के आई हो ना, नहीं तो ऐसा होगा कि मैं नाराज होना भूल गई और मम्मी से डांट पड़ जाए, है ना? क्या हुआ, परेशान क्यों? आंटी, अब मैं मम्मी के साथ नहीं रहता। यानी कि तुम अपने डैडी रश्मि आंटी के साथ रहते हो? हाँ, तो बेटा इसमें इतने परेशान होने की क्या बात है, बच्चों को वही रहना चाहिए जहाँ उनको अच्छा लगता है। पर आंटी, मम्मी मुझे बार बार वापस बुलाती है। देख बेटा, तेरी मम्मी बहुत बिजी है, कामों में उलझी है, वैसे है बहुत समझदार, तुझे वापस बुला रही है तेरा दिल रखने के लिए। अच्छा छोड़ मम्मी की बातें, रश्मि आंटी के बारे में बताओ, कैसी है, अच्छी लगती है? हाँ, बहुत अच्छी है। हमको नहीं मिलाओगे? आप मिलेंगी उनसे? ऑफ कोर्स, जो मेरे बेटे को इतना खुश रखती है उसे मैं जरूर मिलूंगी। ठीक है, मैं उन्हें आपसे मिलाऊंगा। ओके। और वो आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। दैट्स ग्रेट। मैंने भी आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज रखा है। कैसा सरप्राइज? वो तो तुम्हें आते ही पता चलेगा ना। ठीक है, मैं डेट फाइनल करके फोन करती हूँ। थैंक यू वाह, थैंक यू, बाय। हाँ, थैंक यू वाह, थैंक यू, थैंक यू। और थोड़ी देर के बाद बाय माँ। Bye, Mom. Bye. 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 Sorry, Mom. मेरे जीने के लिए तुम्हारा मरना जरूरी है। Thanks, Mom. पैसे भी
और कोई चारा नहीं था ना। प्रहलाद माँ यहाँ आ रही है, माँ यहाँ आ रही है। अब तो तुम्हें उन्हें यहाँ से सीधे शमशान घाट ले जाना है, ओके ओके। तुम्हें सारे क्रियाक्रम पता है ना, विचुअल पता है कि नहीं? पता है या नहीं? नहीं पता? तुम्हें नहीं पता? डोंट वरी प्रहलाद, डोंट वरी। मैं नानी माँ से पूछूंगी, ओके? माँ यहाँ आ रही है, ओके? बहुत दिनों बाद ना, चेहरा। हेलो ऋषभ, मैं प्रहलाद बोल रहा हूँ। हाँ प्रहलाद बोलो। सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब किया मैंने। क्या हुआ? बबली की माँ का फोन आया था। नहीं बबली नहीं, रिसीव किया था वो। सुनो वो यहाँ आ रही है और बबली ने कहा है कि वो उसे उसे आते ही मार डालेगी। ओह माय गॉड, देखो प्रहलाद तुम इस वक्त बबली को अकेला मत छोड़ना, बी विद हर। मैं यहाँ से स्ट्रेट डॉक्टर शर्मा के पास जाता हूँ एंड देन आई विल कॉल यू। Okay, and don't worry, everything will be fine. Yeah, okay, yeah, bye. Come in. Ek na tum? Mr. Rishabh, aap kahin jaldi mein kya? Haan, wo abhi ek urgent phone aaya tha, mujhe jana hai. Theek hai, main baad mein aata hoon. Koi zaruri kaam to nahi tha tumhe? Nahi, kaam to bahut zaruri hi tha. Achha, aap baitho, bolo kya kaam? Main aapse workers ke bonus ke baare mein kuch poochna chahta tha. वर्कर्स के बोनस के बारे में आप पूछने को कह रहे हैं? वर्कर्स को तो बोनस दिया जा रहा है। हाँ दिया तो जा रहा है लेकिन कम करके दिया जा रहा है। कम करके? ये तुमसे किसने कह दिया? चेयरपर्सन ने खुद बताया है कि इस बार बोनस का परसेंटेज कम करके दिया जाएगा। लेकिन क्यों? तुमने उनसे पूछा नहीं? पूछा ही नहीं, अच्छी खासी बहस भी हो गई। मल्होत्रा इंडस्ट्री क्राइसिस के पीरियड से गुजर रही है, उनका ये कहना था। व्हाट्स रॉन्ग विद स्वेतलाना? फंड्स रेज करने के लिए वो वर्कर्स के बोनस को कुर्बान करी? आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद हर। मैं वहां गया तो मिस्टर सूरज भी वहीं थे, मेरी उनसे अच्छी खासी तू-तू मैं हो गई। पता नहीं आजकल स्वेतलाना को क्या होता जा रहा है, सूरज जैसे लोगों को उसने कंपनी में शामिल किया हुआ है। मैंने अभी तक वर्कर्स से इस बारे में बात नहीं की है क्योंकि उनके रिएक्शंस काफी वायलेंट हो सकते हैं। कंपनसेशन की पार्ट पेमेंट भी अभी तक उन्होंने रिसीव नहीं की है। इन सबके दिमागों को ठिकाने पर लगाना पड़ेगा वरना ये लोग कंपनी को बेचकर खा जाएंगे। अब आप मुझे राय दीजिए कि मैं क्या करूं। देखो एकनाथ, इस वक्त तुम प्लीज कुछ मत करो, ट्रस्ट मी। वर्कर्स का बोनस और कॉम्पेंसेशन की पार्ट पेमेंट जल्द से जल्द अदा कर दी जाएगी, प्लीज। शांति